नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान निर्वाण। उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीआईजी सच्चिदानंद राय ने बीजेपी का हाथ थामा। उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीआईजी सच्चिदानंद राय ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। सच्चिदानंद राय ने बताया कि पुलिस विभाग में काम करते हुए कई बंधनों में वह बंधे हुए थे, जिस वजह से वह कई लोगों के कई काम नहीं कर सके। हालांकि वह समाज सेवा हमेशा से करना चाहते थे। इस दौरान उन्हें देश की बड़ी पार्टी बीजेपी से हरी झंडी मिली, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और पद ग्रहण किया। गाजियाबाद के लोगों के साथ पूर्वांचल समाज भी उनका समर्थन कर रहा है। पूर्व डीआईजी सच्चिदानंद राय को बीजेपी में प्रदेश सह संयोजक बनाया है। गाजियाबाद से तुल शर्मा के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहे दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं गाजियाबाद में पहली बार नहीं आया हूं, बल्कि विगत 13 वर्षों से गाजियाबाद की जनता की सेवा कर रहा हूं। जब मैं सेवा में था, शासकीय कार्यों में था, तब भी यहां की जनता के बीच में आता था, उनकी सेवा करता था। हां, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे पद दिया है, उसके बाद मैं पहली बार गाजियाबाद आया हूं और गाजियाबाद की जनता ने मेरा भव्य स्वागत किया है, इससे मैं बहुत खुश हूं। सभी लोगों से आग्रह है, मेरा ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का एक विभाग है, सुशासन एवं केंद्र राज्य संबंधों के बीच में समन्वय, उसका मुझे प्रदेश का संयोजक बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है, गुड गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट, तो यह विभाग जो हमारी सुशासन की योजनाएं हैं और जनता के लिए जो बनाई गई हैं, उनका अनुपालन और उनका क्रियान्वयन इस तरह से हो रहा है और उसको और अधिक अच्छी तरह से कैसे किया जा सकता है, यही कार्य करने का उत्तरदायित्व मेरे पास। 2022 में जो विधानसभा चुनाव है, उसकी क्या तैयारी चल रही है? 2022 में चुनाव की तैयारी पूरी तरह से चल रही है। ये सभी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, पूरे प्रदेश की जनता को अधिक से अधिक जोड़ने, भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के अभियान में लगा हुआ है। अति शीघ्र हमारी सदस्यता अभियान भी शुरू होने वाला है और जितने भी हमारे विभाग हैं, हर क्षेत्र के प्रत्येक गांव-गांव में, शहर के हर मोहल्ली गलों में जनता के बीच में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को पहुंचाना है तथा जनता को जोड़ना है। हमारी भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से भी अधिक बहुमत से जीत। किन किन रणनीतियों के साथ आप मैदान में उतरेंगे, चुनावी मैदान में? रणनीति हमारा कार्य है जी। पिछले 4 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्य किए हैं, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और विगत 7 वर्षों में केंद्र सरकार के द्वारा जनता के हित में जितनी योजनाएं लागू की गई हैं और उसका लाभ जो जनता को मिला है, उसको भी लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और हमारा कार्य ही हमारी प्रचार का, जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का आधार बनेगा।